हाय गाइस, गुड आफ्टरनून एवरीवन, हाउ आर यू डूइंग ऑल। आई होप आप सब ठीक होंगे, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। ये देखिए, हैप्पी फ्राइडे ऑल ऑफ यू। ये देखिए मेरा बेटा, पूजा हो चुकी है गाइस। देखिए आज पापा शायद जा रहे हैं ना। ये देखिए मेरा बेटा आर्या, से हाय टू एवरीवन। आज देखो क्लाइमेट कैसा है, आज काफी कड़क धूप निकली है गाइस। ये देखिए कितनी धूप निकली है। ये देखिए मेरा हीरो, हम टीवी देख रहे हैं, अंदाज मूवी देख रहे हैं, पुराना अक्षय कुमार का। गाइस देखो, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। हमने ये चेंज किया है ड्रेसिंग टेबल, पहले यहाँ पे था ना, हमने यहाँ पे, सॉरी डाइनिंग टेबल पहले यहाँ पे था ना, तो अभी यहाँ पे हमने सोफा सेट रखा है हमारा। देखिए गाइस, और चेयर रखी है, और यहाँ पे हमने डाइनिंग टेबल को सेट किया है। देखिए टीवी के यहाँ पे, बालकनी के यहाँ पे हमने डाइनिंग को सेट किया है, समथिंग चेंज। और इससे घर बड़ा भी लग रहा है गाइस। देखिए इससे घर बड़ा हो या ना हो, दिल बड़ा होना चाहिए। मेरा दिल बड़ा ही है। ये देखिए, और ये देखिए, पहले यहाँ पे था ना डाइनिंग टेबल, अभी यहाँ पे सोफा सेट है। यहाँ पे मैंने डोंट रिमूव दैट। ये देखिए यहाँ पे सोफा सेट रखा है हमने, यहाँ पे चेयर, यहाँ पे डाइनिंग टेबल। और ये रहा आपका पिल्लू, फेवरेट आरिफ। कौन सा बेबी? ये देखिए हमारा पिल्लू, आज हमारा पिल्लू देखो कितना हैंडसम लग रहा है। आरिफ गणपति बप्पा मोरिया, आरिफ आरिफ आर्या, मम्मा को देखिए। आज गाइस मैं बनाने जा रही हूँ छोले, पिंडी छोले और जीरा राइस। मैंने मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट बनाया था, अंडा भुर्जी और ब्राउन ब्रेड के साथ मैंने खाया। तो अभी मैंने चना, काबुली चना बॉईल करके रखा है छोले बनाने के लिए, और रेसिपी मैं आपसे शेयर ज़रूर करूँगी थोड़ी देर के बाद। थोड़ा मुझे फ्रेश व्रेश होने दो और भी, बिकॉज मैं बहुत थक गई हूँ, सुबह से उठी हूँ, काम कर करके कुक अवेलेबल नहीं है ना, इसीलिए तो मैं अभी थक गई हूँ काम कर करके। तो मैं आपसे बाकायदा रेसिपी शेयर करूँगी पिंडी छोले की, तो वेट करना मेरे पिंडी छोले का। Why you want to go there? Guys, ये तंग कर रहा है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, बाद में मिलते हैं। ओके बाय। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन पे प्रेस, ओ शिट, बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करना। आर्या, ये देखिए मेरे हस्बैंड क्लीन कर रहे हैं, बेड के पीछे काफ़ी कचरा हो गया था ना, क्लीन कर रहे। आर्या कम या कम फास्ट, जितना हम घर क्लीन रखें ना उतना अच्छा रहेगा, करना चाहिए डे टू डे लाइफ में घर को क्लीन, वरना काम वालियों के मेड के भरोसे नहीं बैठना चाहिए कि वो आएगी और क्लीन करेगी, हमें खुद को भी क्लीन करना चाहिए घर। इसलिए हम जहाँ रहते वो हमारी वास्तु अगर सही रहेगी, नीट एंड क्लीन रहेगी, तो पॉजिटिव वाइब्स आएंगे, अच्छा रहेगा सर। बाद में मिलती हूँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन पे क्लिक कर देना, ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिले। बाय, लव यू। रेसिपी में मिलते हैं।